आलू मटर और गोश्त का इतना मजे का सालन बनाना सीखना है, वो भी सिंपल तरीके से, तो आपको हमारी वीडियो शुरू से एंड तक देखनी होगी ताकि आलू मटर गोश्त का सालन इतने मजे का बनाना सीख सकें। आपको हमारी फुल वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर जाना होगा जिसका नाम है कुकिंग विद गुनाज YouTube चैनल। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद गुनाज YouTube चैनल। देखें आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं आलू मटर और गोश्त, जिसके लिए हमने बकरे का गोश्त लिया है और हमने मटर लिए हैं 1 कप, आधा किलो जितने हमने आलू लिए हैं जिसे हमने छील लिए हैं, उसके बाद हमने कुटी हुई मिर्ची ली 1 चाय का चम्मच, नमक 1.5 चाय का चम्मच लिया, अपने जायके के हिसाब से आप ज़्यादा कर सकते हैं, गरम मसाला लिया हमने आधी चाय का चम्मच, और जो हम गोश्त उबालते वक्त इसमें डालेंगे वो गरम मसाले हमने लिए काली मिर्ची लिए 10 से 12 दाने, 2 बड़ी इलायची ली है, लौंगे लिए 6 से 7, और हमने कड़ी पत्ता तेज पत्ता लिया है, और 2 इलायची जो दालचीनी के टुकड़े लिए हमने, प्याज लिए हमने 3 मीडियम साइज के जिसे हमने काट लिया है, 1 प्याली हमने तेल लिया है, और जो भुनाई में हम इसमें डालेंगे टमाटर लिए हमने 5 अदद जिसे हम काट लेंगे, और जो मसाला पीसेंगे उसमें हमने लिए 10 हमने हरी मिर्चें ली हैं, 1 लहसुन का गाटा लिया है हमने, ये हमने जो हल्दी है बिल्कुल ताज़ी वाली जो अभी आ रही है हमने ये लिया है, इसको हम पीस के डालेंगे, हमने अदरक का टुकड़ा लिया जिससे हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। आइए इसे बनाने की तरकीब देखते हैं, उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जो बिल्कुल फ्री। देखिए पतीला हमारा गर्म हो चुका है, उसमें डालेंगे सबसे पहले तेल, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, उसके गर्म होने का इंतज़ार करें। देखिए तेल गर्म हो चुका है, उसमें हम डाल देंगे प्याज, हम लाइट ब्राउन करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और गोश्त डालेंगे ताकि गोश्त जो है हमारा गल जाए। देखिए प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं, हमें इतने ही चाहिए, ज़्यादा नहीं करेंगे, इसके बाद हम डाल देंगे इसमें गरम मसाले, बस 2-3 चम्मच डालेंगे इसका, उसके बाद इसमें डाल देंगे गोश्त, गोश्त को डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे, फिर उसके बाद इसमें हम गर्म पानी डाल देंगे कि गोश्त जो है वो गल जाए। देखिए गोश्त जो है हमने ढाल के इसको भून लिया अच्छी तरीके से, देखिए गोश्त का कलर चेंज हो गया है, फिर हम डाल देंगे गर्म पानी, हमारे 2 गिलास जितना पानी डाल देंगे, फिर 2 से 3 गिलास के गोश्त जो है वो गल जाए। अब इसकी उबाल आ जाएगी तो हम इसको आधे चूल्हे पर रख देंगे गोश्त को गलने के लिए, फिर आपको दिखाते हैं गोश्त गलने के बाद। ये देखिए गोश्त जो हमने बकरे का गोश्त जो गलने के लिए चढ़ाया था वो बिल्कुल गल चुका है, और देखिए इसके प्याज वगैरह भी सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसका मसाला भूनेंगे, अब इसमें डालेंगे सबसे पहले टमाटर, इसी के साथ हमने जो आपको दिखाया था लहसुन अदरक हरी मिर्चें और हल्दी, फ्रेश हल्दी की रहती है मसाला जो हमने पीसा ये डाल देंगे इसमें। देखिए इसमें हमने टमाटर लहसुन अदरक हल्दी और इसमें हमने लहसुन अदरक हल्दी और हरी मिर्चें डाल दी है, इसके बाद डाल देंगे हम ये मिर्चें 1 खाने का चम्मच जो हमने आपको बताया था, इसी के साथ डाल देंगे इसमें नमक और इसका मसाला भुनेंगे, टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम इसमें मटर और फिर इसमें आलू डालेंगे। देखिए मसाले को भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं, इसमें देखिए टमाटर जो है सॉफ्ट हो गए, इसमें डाल देंगे मटर, मटर डाल देंगे इसमें और मटर को ढाल के भी हम 5 मिनट तक मसाला भूनेंगे, फिर इसके बाद हम इसमें शोरबा कर देंगे। सालन का मसाला भून गए थे, वो मसाला भून चुका है, देखिए टमाटर बिल्कुल भून गए, मसाला भी बिल्कुल भून गया, तेल ऊपर आ गया, इसमें डाल देंगे आलू, आलू को हम नहीं भूनेंगे, आलू ढाल के बस हम शोरबा कर देंगे, पानी हमने गर्म करा हुआ है, उसके बाद हम गर्म पानी कर देंगे, आलू इसलिए बन गए, नए आलू है वैसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, तो चीज़ें आलू गल जाएंगे। हमने इसमें आलू डाल दिए, तेल मिलाएंगे अच्छी तरह से और इसमें हम पानी डाल देंगे, गर्म पानी लिया है हमने, आलू इसमें जल्दी गल जाएंगे, आपकी मर्जी हो तो आप ठंडा पानी डाल दीजिएगा, और 3 गिलास पानी डाला है इसमें हमने, इसमें आलू भी गल जाएंगे और मटर जो है वो भी गल जाएंगे और शोरबा भी जितना हमें रखना है रख लेंगे, आपकी मर्जी हो तो आप इसे भुना भी बना सकते हैं, हम इसे शोरबा वाला बना रहे हैं। देखिए हमने 3 गिलास में पानी डाल दिया, अब इसको हम उबाल आके इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रखेंगे जब तक आलू गल नहीं जाए। आलू गोश्त मटर के सालन की उबाल आ चुकी है, अब इसको हम पकने के लिए रखेंगे 10 मिनट के लिए कि आलू गल जाए और मटर भी गल जाए और शोरबा भी वो हमारा पक जाए, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। लास्ट में हम लोग इसमें डालेंगे धनिया और गर्म मसाला,
उसके बाद फिर हम आपको आधे चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगे, फिर आपको दिखाते हैं 10 मिनट के बाद। देखिए आलू मटर और गोश्त जो हमने बकरे का बनाया है वो हमारा तैयार हो गया। देखिए हमें शोरबा इतना ही गाढ़ा चाहिए, आपकी मर्जी हो तो आप और गाढ़ा कर लीजिएगा। अब इसमें हम लास्ट में डाल देंगे गरम मसाला, या हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला और हरा धनिया। सालन हमारा तैयार हो गया है, इसको हम डिश आउट कर रहे हैं, धनिया डाल देंगे, इसका चूल्हा बंद कर रहे हैं और इसको डिश आउट निकाल लें। सालन की खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है, और ये देखिए कितना अच्छा तैयार हो गया है। देखिए आज हमने आपको आलू मटर और गोश्त बनाना सिखाया, चाहे तो आप इसको गाय के गोश्त में भी बना सकते हैं, लेकिन बकरे के गोश्त में अच्छा बनता है, इसलिए हमने आपको बनाना सिखाया। आप इसको होटल की रोटी के साथ, चपाती के साथ और सादे चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत मजे का बनाया। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।